नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले से एक रिपोर्ट छपी थी कि बिहटा में जमीन की कमी के कारण इस एयरपोर्ट का निर्माण सारण में कराया जा सकता है। इधर नीतीश सरकार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा से यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को बिहटा में जमीन उपलब्ध करा दी है, इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब बस केंद्र सरकार का निर्माण कार्य शुरू करना है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी ही जिम्मेदारी है। संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने पटना एयरपोर्ट के लिए जो जमीन मांगी थी वो जमीन बिहार सरकार ने मंत्रालय को दे दी है, अब काम शुरू करना केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। दरभंगा एयरपोर्ट के जमीन के अधिग्रहण का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है और वहाँ भी राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मीडिया में एक खबर चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि बिहटा में बनने वाला एयरपोर्ट अब सारण छपरा में बनेगा, लेकिन अब संजय झा ने कहा है कि बिहार सरकार ने बिहटा में ही जमीन उपलब्ध करवा दी है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक खत लिखा था जिसमें हवाई अड्डों में विस्तार के साथ ही कुछ हवाई अड्डों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की बात कही थी। भारत सरकार की तरफ से एयरपोर्ट के लिए जो जमीन की मांग की गई थी उसमें पटना एयरपोर्ट के लिए 49.5 एकड़ जमीन मांगी गई थी। साथ ही पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए 50 एकड़ भूमि की मांग की गई। इसके साथ ही ATR 72 प्रकार के विमान के लिए रक्सौल में 121 एकड़ जमीन, इसके साथ ही मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के लिए A320 विमान के संचालन को लेकर 475 एकड़ जमीन की आवश्यकता की मांग की गई है। कैट अप्रोच लाइट सिस्टम के साथ नए सिविल इनक्लेव के विकास के लिए दरभंगा में 78 एकड़ जमीन चाहिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव संजय कुमार ने आगे यह भी जानकारी दी कि रक्सौल का एक पुराना हवाई अड्डा है और वह जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI की है। मुझे नहीं पता कि वो और जमीन मांग रहे हैं या नहीं। AAI दरभंगा में 78 एकड़ जमीन मांग रहा है जिसमें नए सिविल इनक्लेव, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, मल्टी लेवल कार पार्किंग, फायर स्टेशन और अन्य सहायक भवन के लिए 54 एकड़ और श्रेणी यानी कि कैट की स्थापना के लिए 24 एकड़ जमीन शामिल है। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल में रखा जाएगा जिसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।